बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 16 इन दिनों चर्चा में बने रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस शो को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। वेल दोस्तों, आए दिन इस शो में कोई न कोई बवाल देखने को मिलता ही रहता है। शो के दौरान ही रैपर MC स्टैन ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है। हालांकि इस शो में वो काफी कम बोलते नजर आते हैं, मगर वीकेंड का वार के बाद स्टैन काफी एक्टिव आ रहे हैं नजर। बीते दिन बिग बॉस 16 के घर में MC स्टैन और प्रियंका चहर चौधरी के बीच लड़ाई हो जाती है, मगर इस दौरान MC स्टैन ने भाईजान यानी कि सलमान खान का नाम घसीट लिया। दरअसल दोस्तों बता दें कि बिग बॉस 16 के बीते एपिसोड में एक नॉमिनेशन टास्क होता है जिसका नाम जहरीला सांप रखा गया। इस दौरान बिग बॉस में मौजूद हर कंटेस्टेंट को घर से बेघर करने के लिए उस सदस्य का नाम बताना है जिसे वो नॉमिनेट कर घर से बेघर करना चाहते हैं। लेकिन फिर इस टास्क को साजिद खान हल्के फुल्के में ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्रियंका चौधरी इस दौरान साजिद खान पर फूट पड़ती है। ऐसे में प्रियंका ने कहा कि साजिद खान हर टास्क में ऐसी ही हरकत करते हैं। प्रियंका की इन बातों को सुनकर MC स्टैन वहां आ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या करते हैं वो। ऐसे में MC स्टैन की बातों का जवाब देते हुए वो कहती है कि साजिद खान हर टास्क में काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी तो गालियां भी दे देते हैं। पिछले टास्क में उन्होंने ऐसा ही किया था। वेल, प्रियंका की इन बातों को सुनकर MC स्टैन उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं कि गाली तो सलमान खान भी देते हैं, तब तुम क्यों कुछ नहीं बोलती। इस पर प्रियंका कहती है कि मैं सलमान सर को नहीं बोल सकती कुछ भी क्योंकि सलमान सर हमारे भगवान है। ऐसे में उनकी बात काटते हुए स्टैन इस दौरान कहते हैं तो फिर साजिद खान कौन है, फालतू का ड्रामा मत करो, सलमान भाई भी इंसान ही है तो यह डायलॉग मत मारो। स्टैन के इस जवाब को सुनकर प्रियंका चुप ही हो जाती है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सलमान खान इस वीकेंड का वार में इस मुद्दे पर बात करते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।